लो बाबू का टर्न। सर क्या क्या हुआ क्या सर, थोड़ी सी डिटेल। सर आप देख रहे हैं क्या हुआ है, गाड़ी गिरी है सर। कितने नहीं, हम तो देख रहे हैं ये पूरा मामला क्या है, ये कितने डिब्बे थे, कहाँ से गाड़ी आ रही थी, कहाँ जा रही थी। 11 कोचेज हैं और ये एम्प्टी रेक होता है जो बरेली आ रहा था। अच्छा, और इसमें 7 कोच पीछे की तरफ गिरे हैं और 4 रेल पे हैं। अच्छा क्या कारण रहा है, किन कारणों से? वो तो तहकीकात होगी, पता लगेगा। तो पटरी टूटी भी थी या चटकी भी थी, क्या था? कुछ ऐसा भी दिख रहा है बट तहकीकात होगी उसके बाद। अच्छा एक पटरी पूरी तरह से उखड़ गई है? हाँ वो तो होता नहीं, उसके ऊपर ट्रेन चलती है जी, पटरी सब ले आती है। अच्छा 60 डिब्बे उतरे हुए पटरी से जी। अच्छा इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की वजह से पूरा अलर्ट जारी है, क्या देखा जाए कहीं ना कहीं इस तरीके की संदिग्ध घटना कोई? देखिए मैं अभी कहना चाहूँगा इसकी तहकीकात होगी पूरी, तहकीकात के बाद बता पाएंगे क्या। कुछ आपका क्या नाम है? शेरा शर्मा। अच्छा जी, मुरादाबाद से बरेली जा रही थी पार्सल ट्रेन है? पार्सल है। इसका नंबर क्या है? पार्सल नहीं, एम्प्टी कोचिंग। एम्प्टी कोच, कोच एम्प्टी कोच, एम्प्टी कोच खाली कोच नहीं। इसका नंबर कोई है? एम्प्टी कोचिंग नाम से चला। सर कोई घायल हुआ है क्या इसमें? नहीं हुआ।